फाइनली 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 स्वागत आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। आज है 29 अगस्त और अभी हम सब निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। सुबह जल्दी उठ के सारा पैकिंग वैकिंग करके एक एक सामान का चेक करना है कि क्या क्या कुछ मिस ना हो जाए। कैमरा, बैग, तबले का थोड़ा, तबले का पाउडर, कपड़ा लत्ता, कुछ भी छोटा छोटा चीज़, इस सब का देख रेख में है। और नीचे गाड़ी आ चुकी है, हमने सारा सामान नीचे डाल दिया है। अब पापा सनी भी नीचे उतर चुके हैं ऑलरेडी और मैं, मम्मी, दीदी सब लाइट वाइट बंद करके, गेट वेट चेक करके सब बंद है कि नहीं अच्छे से, फिर नीचे उतरेंगे। और हाँ, पुराने वाले फ्लैट से मुझे तबला जो है वो लेना है अपना, क्योंकि मेरा मेन जो तबला मैं बजाता हूँ किसी भी कॉन्सर्ट में तो मैं वहीं पर रखता हूँ। तो गाड़ी थोड़ा देर के लिए घुमाएंगे वहाँ पे और मेरे को बस एक मिनट लगेगा वहाँ से वो उठाने में, तो वहाँ से तबला ले लेंगे और फिर वृंदावन की ओर बढ़ चलेंगे। बोलो राधे राधे। आज मैंने बहुत दिन के बाद गोप्रो उठाया क्योंकि मैं कुछ दिनों से ब्लॉगिंग अपने इसी फ़ोन से कर रहा था। और ये रहा मेरा हथौड़ा मछली स्टाइल। दीदी भी ब्लॉग बना रही है ना आज, तो तेरे चैनल पे जो मेन ब्लॉग है वो जाएगा वृंदावन का और मेरे चैनल पे डेली ब्लॉग जाएगा नॉर्मली। तो अगर आपको मेन और अच्छा ब्लॉग देखना है तो दीदी का चैनल देखिएगा। अच्छा। और डेली डेली का देखिए, देखना नहीं वो तो देखती है तू। पापा का बार बार फोन आ रहा है कि जल्दी जल्दी आ जाओ और हम देखो नीचे पहुंच गए। ये पापा सनी कृपया हॉर्न ना बजाए, हो रहे हैं हमारे ड्राइवर भैया की रही हमारी गाड़ी। मैं फ्रिज में पानी भरा था, फालतू में आके पंतियाँ कर रहा है तो मैंने चिल्ला दी तो मम्मी आके इसको मार दी, मजा आ गया। तो अभी ना जो तबला सब है ना वो हमारे पिछले घर में था तो हम उधर से इधर आए। ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा बता दिया है क्या, आपको पता है तो आप क्यों सुन रहे हैं बार बार मेरे को। ठीक है वही लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस को मिल लेंगे, ऐसे प्यार कर देंगे। मेरा झाल भी ले लेना। झाल यस यस। मैं हल्का थी धनी नहीं उठाता, ठीक है मत दियो पीछे खिसका, कोई बात नहीं अभी बस दोनों भाई एक सीट पे। तो अभी समय हो रहा है 9:43, तो भैया कब तक पहुंच जाएंगे हम वृंदावन? 1 बजे। एक बजे तो क्या बात है सनी, एग्जैक्ट कैस कह रहे हैं? मैं तो बहुत तेज है मेरा, चलते हैं चलो। तो चलते चलते हम दोनों तो सो गए थे तो गाड़ी रुकी और अभी हम आए खाना खाने के लिए। ये तो कोई हवेली ऐसा लग रहा है, इसको रेस्टोरेंट में बदला गया है। नाइस। कुआ भी है यहाँ पे। ये चूहा नहीं कुत्ता है, अरे शेर है, हर जगह कुत्ता दिखाई देता। ये सनी घर से लेके आया है ताकि रास्ते में जहाँ पे चाय पीने रुकेंगे वहाँ पे मट्ठी चाय में डुबा गया। तो खाना पीना हमारा हो गया है, अब जल्दी से गाड़ी में बैठते और सीधा वृंदावन उतरेंगे। अब सीधा आपका फोटो लेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। मम्मी जब भी जन्माष्टमी होता है तो बारिश होती होती है, पक्का है ना ये? तो देखो बारिश हो रही है। मेरा पूरा चश्मा भाप भाप हो गया। उसके बाद ये टावर है। तो
अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा भोजन वोजन करते हैं। तरह तरह के जो आइटम होते हैं भगवान को, उसमें जूस एक है, एक फ्राई रहेगा पकौड़े टाइप का, मिठाई, तीन तरह की सब्जियाँ, रोटी या पूड़ी एंड राइस दाल, इस तरह से 12 व्यंजन जो है डेली भगवान को चढ़ता है दोपहर के टाइम, इसलिए रात भोज, राजा का भोज, तो हम लोग रात भोज करने वाले हैं। आई थिंक आप लोग खाली पेट ट्रैवल किए हैं, यस प्लीज आप अच्छे से। वृंदावन का सबसे पवित्र स्थान, अभी जैसे अभी जितने भी जन्माष्टमी के टाइम आएंगे लोग, तो उनको जैसे कुछ अगर लेना है, कंठी माला हो गया, तो हमने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। और अभी हम एक कॉन्फ्रेंस रूम में गए थे जहाँ पे जो मंदिर बन रहा है, यहाँ पे भव्य मंदिर वृंदावन में, उसका एक वीडियो देखे थे हमने जो 3D एनिमेशन में था। और अभी हम जा रहे हैं होटल, फिर आराम करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद शाम की आरती में आएंगे यहाँ पे, फिर मजा आ जाएगा, कीर्तन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं, तो इसीलिए अभी घूमने का भी शाम में प्लान, यहाँ की मिट्टी की बात ही कुछ और, शाम इधर का प्रसाद भी ग्रहण कर चुके हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। दीदी को नहीं दूंगा, अरे पहले देख लेता वो रूम इससे अच्छा ना, वरना वो छूट जाए चलेगा, सेम सेम है दोनों रूम से, वो वाला और अच्छा है। अरे नजारा, तो होटल में पहुंच चुके अपने रूम में, मम्मी दीदी एक रूम में रहेंगे, मैं पापा सनी एक रूम में रहेंगे। अब जल्दी से कर दो यार, मैंने कर दिया ना डिसाइड, बस बाप रे मुझे सब जरूरत है, आंखों के नीचे काला काला जगह उसको ठीक करने की, क्योंकि मैं सो ही नहीं रात में पैकिंग करते करते। सेम हियर, चाय पैकिंग कर रहा था। और मैं तो चैन की नींद सो रहा था। हाँ मैंने दिखा दिया था लोगों को, तू नंगटे सो रहा था, नंगटे सो रहा बिना बनियान के। ओ देखो हमारा रूम, देखो इधर, ये है हमारा रूम, ये सबसे बेस्ट पार्ट है ना, कि शीशे से बाहर नजारा दिखोगे ना, एकदम खाली ग्राउंड है और कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओए होए, यहां पे मैं सुंदर से तैयार होकर के, यार इस रूम का तुम लोगों को पूछूंगी कि मैं कैसे रहूं। अच्छा मैं लौट चुका हूं अपने रूम में, अब थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद बढ़िया से नहा धो के चलेंगे आरती में। फूल लगे होते हैं ये फूल, वही वाले मां के बिहारी जी के, अरे अरे पटका सारा मां के बिहारी जी के वाले, तो स्पेशल मैम के लिए मंगवाया है। थैंक यू। अब ये आने के बाद आपकी जो मतलब जितनी भी परेशानियां कोई आ रही होंगी सारी अब आपकी हल हो जाएंगी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हम तो सो गए थे। ओहो, पापा उठा दे, बोलते हैं जल्दी तैयार हो, गाड़ी नीचे आ चुका है, मंदिर जाना है आरती के लिए। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, मुँह हाथ फ्रेश होके एकदम बढ़िया से, और बगल वाले रूम में दीदी भी तैयार हो रही है, वो अभी साड़ी पहनेंगी। मैं जब भी कॉल कर रहा हूँ उसे कि कितना टाइम और लगेगा, तो बोल रही कि फोन मत कर, तू परेशान कर रहा है मेरे को, मतलब हाँ निकल चुके हैं अभी, जल्दी से पहुंचते हैं मंदिर पे। उसके बाद दीदी साड़ी पहन चुकी है ऑलरेडी, और नीचे उतर चुके वो पापा दीदी। इसका थोड़ा लफड़ा होता है ना कि चप्पल भूल गया, कभी ये भूल गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, मैंने झाड़ ले लिया। तुम भी
तैयारियां चल रही है यहाँ पे। आरती चल रहा है, आपको दिखाते हैं। अभी ना कुछ ना खाना खा रहे हैं अभी। तो हम वापस होटल पहुंच चुके हैं अपने। हम मंदिर में गए, वहाँ पे बढ़िया आरती हुआ एकदम। उसके बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और इस मंदिर के जो प्रेसिडेंट है उनसे हमारी मुलाकात हुई 15-20 मिनट का। उन्होंने बढ़िया एकदम एक्सप्लेन किया सब कुछ और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे वापस चलते हैं होटल और जल्दी एडिटिंग करके सो जाते हैं।
ताकि कल सुबह का पूरा शेड्यूल हमारा फिक्स है कि कैसे कैसे कीर्तन है, कब कब होगा, चलते हैं रूम में। तो अभी करीब 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। और हमने ऐसे सोचा कि हमारा एडिटिंग लेट नाइट तक चलेगा, तो कुछ खाने पीने के लिए मंगा लेते हैं, धीरे धीरे खाते रहेंगे, एडिटिंग करते रहेंगे। लेकिन नीचे बुफे सिस्टम है तो हम नीचे जा नहीं सकते, तो हमने यहीं पे कुछ कुछ मंगा लिया है। मैंने अपने लिए गर्म दूध मंगा लिया है, क्योंकि सब होटल में ऐसे नहीं होता ना कि 24 घंटे मिले। बोल रहे कि सुबह उठिए, ठीक है, तो मैंने बोल दिया हाँ उठूंगा, सीधे खाऊंगा। और ये मेरा दूध और चम्मच देखिए कितना बड़ा है, मतलब ग्लास और चम्मच का साइज देखो भाई। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी मैं जल्दी सो जाता हूँ और सुबह उठ के एडिट करके तब डाल दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं लेट नाइट तक जगा और एडिट करके डाला व्लॉग तो मेरा कल का पूरा दिन नींद नींद में उड़ जाएगा, ठीक है। और अभी सनी देखिए क्या चैनल लगा के क्या है, नाप तो लगा दिया और जाके सो गया है वो। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वृंदावन के पार्ट्स डेली व्लॉग के जरिए आते रहेंगे, तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा राधे राधे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, तो आप सभी से मिलते हैं वृंदावन टूर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरी तरफ से खत्म, टाटा बाय बाय, और जाते जाते सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।